तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ना पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है एकदम यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो आज ढूंढा है उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे जो भारतीय गणितज्ञ है रामानुजन, वो पूरा अंकों से खेलते थे। उनका दिमाग हमेशा लगा रहता था कि कहां पर कौन सा ट्रिक लगेगा, मतलब कहां पर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, और वो टोटल गणित के रहस्यों को ढूंढता था। मतलब कोई भी घटना घट रहा है, गणित के कोई ऐसे रहस्य को ढूंढकर आपके सामने रख दिया। ऐसा ही मैं प्रयास करते रहता हूं। इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन आज का जो वीडियो है एकदम यूनिक होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए कुछ मैंने चीज लिख रखा है, और दोस्तों इसमें भी लॉजिक छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। यहां पर देखिए हमने 369 लिख रखा है, और यहां पर देखिए 142857, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, इन दोनों संख्याओं में क्या रहस्य है, वो भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और ये जो बैनर मैंने बनाया है, इस बैनर का क्या उद्देश्य है, और यहां पर देखिए हमने यहां पर कुछ और लिख रखा है, पाई का मान 22/7 जो भी है, लेकिन यहां पर पाई का मान 22/7 मैंने नहीं लिखा है। और ये इनका भी कनेक्शन इनके साथ लगा हुआ है, ये सारे कनेक्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन वो कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है उनको जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर जाना होगा, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रख रखा है अंकों का रहस्य, अद्भुत रहस्य, ध्यान दीजिएगा, अंकों का अद्भुत रहस्य 369। अब आज का जो वीडियो है ना, ये 22वां नंबर का वीडियो है, और क्यों खास होने वाला है ये 22वां नंबर का वीडियो, एकदम खास होगा, हर उस व्यक्ति के लिए खास होगा जो अभी इस वीडियो को देखेगा, उसके बाद वो गर्व करेगा और निश्चित रूप से एक दूसरे को बताएगा जरूर। तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है ना, अद्भुत संयोग या कोई रहस्य। तो चलिए, ये रहस्य है या अद्भुत संयोग ही है, केवल संयोग मात्र है, तो इतने सारे संयोग क्यों हो रहा है, कौन से तिथि पर, 22 पर। ये मैं 22वां वीडियो क्यों बना रहा हूं, और ये 22वां वीडियो मैं बनाने वाला था 22 जनवरी को। भाई 22 जनवरी को मैं बनाऊंगा तब तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही सोचा तो सोचा कि चलो आपके लिए वीडियो बना देते हैं। चलिए, ये 22 है क्या, 22 पर एक अद्भुत रहस्य है, हमने रिसर्च किया है, कोशिश करते हैं आपको बताने का, है ना। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यदि आप इस पूरे साल को, है ना, इस पूरे साल को आप क्या बोलते हैं, हैप्पी क्यूब ईयर बोलते हैं, है ना, हैप्पी, ध्यान दीजिएगा, हैप्पी, है ना, क्यूब ईयर, अगर आप इस पूरे साल को आप हैप्पी क्यूब ईयर बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा साल जो है क्यूब ईयर है। कैसे क्यूब ईयर है, यदि आप 2 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं, ऐसा करते हुए पूरे सब संख्याओं का क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब करेंगे लास्ट में, टोटल मतलब 2 से लेकर टोटल 9 तक के संख्याओं का क्यूब करेंगे और उन सभी संख्याओं का योग करेंगे। याद रखिए, इसमें 1 के क्यूब को शामिल नहीं करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करके 9 तक के सभी संख्याओं का क्यूब करेंगे, उसका योग करेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2024। तो हो गए ना 2024 जो है क्यूब ईयर, तो आप सबको हैप्पी क्यूब ईयर। लेकिन आज का वीडियो इस पर नहीं है, आज का वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपको कुछ ऐसे चीज बताऊं, है ना, जैसे रामानुजन अंकों से खेलते थे ना, तो आज हम अंकों से खेलने वाले हैं और अद्भुत रहस्य बताने वाले हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यदि आप 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं, ऐसा स्क्वायर करते हुए आप जाएंगे, कहां तक जाएंगे वो भी बताने वाला हूं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। अब हम आगे जाते जाएंगे, अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, है ना, 9 का 81 और 10 का 100। उसके बाद आप पूरे संख्याओं का स्क्वायर करते जाएंगे, देखिए पूरा कहां तक करेंगे और कौन से संख्या का छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे उस संख्या के स्क्वायर को। अब ये जो रहस्य बताने वाला, उसको ध्यान से सुनिएगा, आप ये पूरा कर लेंगे, है ना, 11 का स्क्वायर करेंगे, इन सब संख्याओं का आपको योग करना है, 11 का 121 होगा, ठीक है, फिर 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसे ही छोड़ना है। अब क्यों छोड़ना है, 18 के स्क्वायर को क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, ये एकदम आप इसके रहस्य को जानोगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतना, मतलब मैंने, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने कैसे सोच लिया,
है ना। ऐसा रहस्य कहां से आया, एक एक चीज बताने वाला हूं, आप एकदम गर्व महसूस करोगे इसको देखने के बाद। याद रखिए 18 का स्क्वायर को हमको नहीं जोड़ना है, सीधा 19 का जोड़ना है, और हमको पता है कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन हम जोड़ेंगे सीधा 19 का। तो यहां से इसको हम क्या कर देते हैं, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर आपको जोड़ना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है 361 जो कि किसका है, 19 का है, उसके बाद 20 का करेंगे तो 20 का कितना होता है, 20 का स्क्वायर 4 है ना, 400 होता है, 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484, उसके बाद 23 का होता है 529 होगा, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, हमको एक और चीज पता है, वैसे बहुत सारी चीजें पता है, आज तो बहुत सारी चीज बताने वाले हैं। यहां पर जो स्क्वायर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कितने का है, 23 का, 24 का होता है 576, ठीक है। और इसी में यदि हम क्या कर दें, सामने में केवल 4 लगा दें, 4 लगा दें, तो ये इन समस्त संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, 4, 5, 6 और 7, मतलब 4576 भाई, मतलब ये लास्ट जो अंक है 576, ये किसका स्क्वायर है, ये जो है 24 का स्क्वायर है। याद रखिए हम क्या कर रहे हैं, 2001 से लेके 2024 तक के समस्त संख्याओं का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, और वर्ग करके जब हमने जोड़ा और उनमें हमने कौन से संख्या का स्क्वायर को नहीं जोड़ा है और क्यों नहीं जोड़े हैं और क्या है वो 22 का रहस्य, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमने 4 लगा दिया क्योंकि 2024 के इकाई में क्या है, 4 है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब इतने भाग को मैं पूरा अभी फिलहाल तो डिलीट कर देता हूं, हम आप इसका रहस्य जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ऐसा करते हुए जाना है, और यहां पर 24 का स्क्वायर सबको जोड़ना है, इसका योग कितना आएगा। और याद रखिए इसमें आपको 18 का स्क्वायर को नहीं लिखना है, इसमें हमने 18 स्क्वायर को नहीं जोड़ा है, तो हमारा उत्तर कितना आया था, यहां पर हमारा उत्तर आया था 4576, ठीक है, 4576। अब इस 4576 में क्या रहस्य है, ध्यान दीजिएगा, ये 4576 ध्यान दीजिएगा 4576 जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप इन संख्याओं का यदि आप बीजांक निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ये रहस्य कहां से आ रहा है, वो पूरा एकदम लिंक करने वाला हूं अभी मैं आपको रामायण काल से। देखिएगा ये 4, 5, 7 है ना, मतलब 4576 और ये 576 तो लास्ट 24 का स्क्वायर है, लास्ट अंक जो है लास्ट के 3 अंक, और ये 4 2024 के लास्ट अंक हम मानते हैं, ऐसा मतलब संयोग कर रहे हैं। अब देखिए इनका अगर हम बीजांक निकालते हैं तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से एक इसमें ले आएंगे तो ये तीनों 6 हो जाएगा, तो 6 6 6 6 12 6 18 18 और 4 कितना हो रहा है 22। लो आपका पहला काम हो गया, ये 22, तो क्यों 22 तारीख को चयन किया गया होगा, ये मेरा तर्क है भाई, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, ये मेरा तर्क है कि 2024 के पूरे 2001 से लेकर 2024 तक के अंकों का केवल 1 2 3 4 मतलब पूरा 24 तक अंकों का अगर हम वर्ग करके जोड़े, उसमें 18 के वर्ग को नहीं जोड़ना है, 18 के वर्ग को नहीं जोड़ना है, तो हमारा योग इतना आता है, ठीक है। और आप पूरे संख्याओं को अगर आप जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे, चलो है ना, अगर इसमें सभी संख्याओं को आप जोड़ देते तो योग कितना आता, तो निश्चित रूप से उसका योग जो है ज्यादा आता है ना। यहां पर कितना आता है, 4 2 और 3, इसको आप जोड़कर देखिए, 6 4 10 7 और 2 9, ठीक है, और 5 और 3 8, सॉरी 6 4 10 हासिल एक चला गया, 7 और 3 10 हो गया, यहां पर 7 और 3 10 होगा, 5 और 3 8 और हासिल करके 9, और यहां पर आ जाएगा 4, मतलब 49 तब आता है, कब, अगर एक से लेके टोटल 24 तक के वर्गों का योग करते हैं तो। लेकिन मैंने कहा कि 24 के वर्गों को हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हमको यह तो पता चल गया है 4576 जो है ये सभी संख्याओं का योग है, और इसका बीजांक आ रहा था 22, और इसीलिए 22 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 22 जनवरी को श्री रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, ठीक है। अब इसका हम लिंक बता रहे हैं, देखिए अगर आप जो है एक से लेकर टोटल कितने तक 24 तक का स्क्वायर करते तो आपका उत्तर कितना रहा था, 4900, ठीक है। और हमने यहां पर किसका माइनस कर दिया, मैं बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा, मतलब हमने 324 को माइनस क्यों किया, ध्यान सुनिएगा, आपने अगर रामायण पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि
सीता जो है लंका में, ध्यान दीजिएगा, सीता जो है लंका में टोटल 435 दिन तक रही है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात 435 दिन सीता मैया के लिए बहुत कष्टकारक, बहुत ज्यादा कष्टकारक, क्योंकि वो राम से अलग है। एक तो वहां पे रह रही है जहां पे उनके जो चारों तरफ से राक्षसों ने उनको घेर रखा है और उनको रोज परेशान किया जा रहा है। तो पहला बात तो 435 दिन उनके सबसे कष्टकारक है। उनमें भी जब उनको पता चला कि अब राम जी मुझे लेने आए हैं, लेने के लिए आ गए हैं, लंका में पहुंच गए हैं, तब तो उनको कुछ राहत लगा होगा। तो जैसे उनको लगा होगा कि राम पहुंच चुके हैं, अब उनको पता हो गया कि राम लंका में आ चुके हैं, है ना, अब मुझे ले जाएंगे कैसे भी करके, तो उतने दिन उनको राहत लगा होगा कि अब कैसे भी करके मैं यहां से जाने वाली हूं। तो ये देखो, इतने दिन तो सीता मैया जो है लंका में रही है, 435 दिन, लेकिन भगवान राम जो है जब सीता को लाने गए लंका पे चढ़ाई के, है ना, रावण को मारने के लिए गए, कहले मतलब, तो पहले तो उनको समझाया नहीं समझा, तो राम वहां पर कितने दिन रहे, 111 दिन, ठीक है। अब इस 111 को यदि हम, क्योंकि इतने दिन उनको थोड़ा सा राहत लगा होगा, लेकिन ये 435 दिन बहुत कष्टकारक है। और ये 435 लिखा है ना, इसी में रावण का काल भी छुपा हुआ है। देखिए ये अंकों का रहस्य है भाई, आप जब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और उसको अंकों के साथ जोड़ते हैं तो आपको बहुत अद्भुत चीजें मिलेगा। अब इसको अगर हम घटा देते हैं तो यहां पर आपका उत्तर आ जाएगा 324। अब ये 324 जो है बहुत ज्यादा कष्टकारक है, किसके लिए, सीता मैया के लिए, क्योंकि ये 324 में बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, उसको लेने कब आएंगे, कोई तब पता नहीं। ये 324 दिन सबसे कष्टकारक। तो हमने क्या किया, ये एक से लेके, ध्यान दीजिएगा, एक से लेके कहां तक, पूरा 24 तक के वर्गों में, एक से लेके पूरा टोटल 24 तक का जो वर्ग था उसमें हमने क्या कर दिया, ये जो सबसे कष्टकारक दिन है, क्योंकि वो कष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, तो ये 324 जो सबसे कष्टकारक दिन है उसको माइनस किया तो हमारा उत्तर कितना आया था, 4576 आया था। और यही कष्टकारक दिन को हटाने के बाद 576 आया था, उसका हमने बीजांक निकाला था तो 22, और इसी से क्या हो गया, 22 जनवरी बन गया भैया। इसलिए 22 जनवरी को रामचंद्र जी का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ठीक है, बहुत ही भव्य संयोग है। अब इसमें और भी बहुत सारे संयोग है, ये तो पहला कारण समझ आ गया, हमने 18 के स्क्वायर को हटा दिया, और 18 का जो स्क्वायर होता है ना वो कितना होता है, 324 ही होता है। तो ये 18 का स्क्वायर 324 को ही हमने इसमें माइनस किया था, क्योंकि 324 का जो संयोग है वो मैंने आपको बता दिया था कि 324 कहां से, 435 दिन तो सीता मैया लंका में रही है, उसमें से 111 दिन तो भगवान राम जी उनको लाने के लिए गए तो तब लंका में रहे हैं, अर्थात उसको माइनस कर दिया तो 324 दिन बच गया। इस 324 दिन को घटा दिए, एक से लेकर 24 तक के टोटल वर्गों के योग में, तो ये क्या है, वास्तव में 324 जो है 18 के स्क्वायर, इसमें मैंने शुरू से बोल रखा था एक से लेकर 24 तक के वर्ग करेंगे उसमें 18 के स्क्वायर को नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़े। अब मैंने ये भी कहा था कि 435 में संकेत छुपा हुआ है रावण वध का, ऐसा मैंने बताया था, बोला था मतलब, तो ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। ये जो 435 है, देखिएगा 435 में चार जो है संकेत है चतुर्भुज का, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला, और चार भुजाओं वाला मतलब भगवान श्री राम, ठीक है, चतुर्भुज। तीन क्या है, तीन मतलब त्रिलोकी, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों के स्वामी, है ना, मतलब चतुर्भुज चार भुजाओं वाले जो हैं तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो आएंगे और मारेंगे, पंच तत्व में विलीन कर देंगे किसको, ये पांच का मतलब क्या होता है, पंच तत्व, है ना, चित्तिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व है। और ये देखो चार तीन और पांच, चार चतुर्भुज वाले भगवान श्री राम आएंगे, तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो आएंगे, और ये पांच लिखा है रावण का जो शरीर है वो पंच तत्व में मिल जाएगा, अर्थात इसमें एक संयोग है, ऐसा आप गणितीय रूप में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अद्भुत रहस्य है, और इन सब का तथ्य आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार आपको बताया कि क्यों 22 जनवरी। अब 22 जनवरी के अलावा भी है ना एक और संयोग है ना, देखिएगा जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है ना वो 12:29 मतलब 30 मिनट है, 12:30 तक है, ठीक है, 12:30 तक है, 12:30 से पहले करना है, मतलब ये 12:29 एक ऐसा समय है जब भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा
हो जाने का एकदम लास्ट मिनट है, क्योंकि 12:30 तक तो हो जाना है, तो ये वो लास्ट मिनट है। अब ये इसका यदि हम अंकों का ध्यान दीजिएगा, इनके अंकों का बीजांक निकालते हैं 1+2+2+9 तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9, 10, 11, 12, 13 और 14 कितना आ रहा है 14। तो 14 वर्ष का वनवास भी यहां पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहां पर अद्भुत संयोग बढ़ रहा है, ये जो ग्रह नक्षत्र है 22 जनवरी का जो समय तय किया गया है उसके साथ गणित भी साथ दे रहा है, मतलब गणितीय गणना भी आपको कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से ढूंढने का प्रयास किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका मैं छोटा वीडियो ही बनाऊंगा, 60 हो सकता है, इसमें मैंने विस्तार से समझाया है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, इसको मैं एकदम शॉर्टकट में छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल बताऊंगा ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ये वीडियो लॉन्ग वीडियो हो गया थोड़ा से, तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो विस्तार से समझाने के लिए मुझे जिस प्रकार का वीडियो बनाना पड़ा इसका मैं 60 वीडियो और बना दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।